सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में तमाम तरह की चर्चाओं का दौर है और सभी राजनीतिक दल यहाँ पर सभी वर्गों को अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई करना भी चाहिए, क्योंकि अगर करेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, निकाय चुनाव या 24 के चुनाव, इसमें जीत कैसे हासिल होगी। महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ बीजेपी एक तरफ अपनी हैट्रिक को लेकर उम्मीद बनाए हुए, तो वहीं जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो फिलहाल एकजुट होकर यहाँ पर व्यवस्था को मजबूत करने लगी हैं कि बीजेपी को चुनौती कैसे दी जाए। खैर, इन तमाम मुद्दों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उस वर्ग पर लोग अपनी अपनी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं जिस वर्ग को लेकर अब तक केवल शोषण की बात कही जाती थी। दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, यानी अगर आबादी की बात करें तो 42% से ज़्यादा का वोट बैंक, और सभी लोग इस वर्ग को लेकर अपने अपने कसीदे पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। पर भावनाओं के साथ हुआ क्या है ये सबको पता है, और इस वर्ग की अनदेखी लगातार होती चली आ रही है। अगर बात करें इस वर्ग के पार्टी की, तो यहाँ पर बसपा कुछ हद तक इस वर्ग की पार्टी कही जाती थी, यानी इस वर्ग को कहा जाता था कि बसपा का परंपरागत वोट बैंक है। पर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जिस हिसाब से डाउन हुई, सक्रियता नजर नहीं आई, चुनाव में परिणाम अपेक्षित नहीं मिले, उसके बाद ये वर्ग कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में चला गया। सपा के साथ क्यों नहीं आया, क्या दिक्कतें रही, कांग्रेस सर क्यों नहीं गया, क्या दिक्कतें रही, ये किसी को नहीं पता। पर यहाँ पर फिर इस वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास शुरू हो गया है, और प्रयास शुरू किया है समाजवादी पार्टी ने। भाई कारण यह है कि अगर इस वर्ग के भी वोट हमको मिले तो शायद कुछ तस्वीर बदली जा सकती है निकाय चुनाव में भी, और 24 का लोकसभा चुनाव भी, और साथ ही साथ जो 27 का चुनाव रहेगा वो भी। तैयारी अभी से करनी शुरू करनी पड़ेगी। खैर, यहाँ इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चर्चा विषय है वो ये है कि इस वर्ग को अपने साथ करने के लिए लगातार कवायद का दौर जारी है, और जारी है यहाँ पर व्यवस्थाओं का दौर। व्यवस्थाएं क्या बोलती है, व्यवस्थाओं के माध्यम से किस तरह आगे बढ़ना है, और इस वर्ग को अपने पाले में करने की जो कवायद है उसमें किस तरह चार चांद लगाने हैं। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो पहले स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित मानस को लेकर बयान देकर चर्चा में आए, तो कहा जा रहा था कि इस वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग है उसकी अनदेखी की गई है, नारी की अनदेखी की गई है, और इन चौपाइयों को हटाया जाए। उसके बाद स्थिति यह बनी कि समाजवादी पार्टी में भी एक धरा ऐसा था जो स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों के पक्ष में नहीं था, और विरोध भी शुरू हो गए थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जिसते रही है कि समाजवादी पार्टी इस वर्ग को अपने पाले में करने के लिए मुखर रूप से आगे आ रही है। और अभी हाल में जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली में बसपा संस्थापक काशी राम की मूर्ति का अनावरण किया, उसके बाद जो चर्चा शुरू हुई, उसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम मिले मुलायम काशीराम, और भीड़ से हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे लगवाए। उसके बाद स्थिति और थोड़ी सी दिलचस्प हुई, जिससे इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर FIR करा दी गई है। पर FIR के बाद भी यहाँ पर लगातार कह रहा यह है कि समाजवादी पार्टी अब इस वर्ग को लेकर एक नई तरह की चर्चा में आ रही है। खैर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव को देखते हुए सपा की बात करें या सत्ता में काबिज बीजेपी की बात करें, यहाँ पर अभियान जारी है। बीजेपी के अभियान, अगर अभियान की हम बात करते हैं, तो बीजेपी का अभियान कल यानी बीजेपी के स्थापना दिवस पर शुरू होगा, सामाजिक न्याय सप्ताह रहेगा, और ये जो सप्ताह है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती यानी 14 अप्रैल को समापन होगा। तो उसी 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी एक नया अभियान चलाने जा रही, नई यात्रा निकालने जा रही, नया अभियान से अपनी रणनीति बनाने जा रही। उसका नाम है देश बनाओ और देश बचाओ, इसको इस तरफ भी कर ले तो देश बचाओ देश बनाओ। अभियान की शुरुआत प्रयागराज से होगी, और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव इसको हरी झंडी दिखाएंगे। खैर, यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चर्चा तो हम लोग करते हैं इस वर्ग की, अभियानों की, रणनीति की, पर जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं सिफर हो जाते हैं। इस वर्ग का कौन है ये सबको पता है, और कौन नहीं है ये भी सबको पता है, पर इस बीच अभियानों का जो दौर जारी हुआ है कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के साथ दो दो हाथ करने को तैयार हो चुकी है। और एक अभियान की शुरुआत जहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी बाबा साहब की जयंती पर करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी अपने इस अभियान का अंत बाबा साहब की जयंती पर करने जा रही है।
फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो विचारधारा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, एक जात के आधार पे राजनीति करने के काम करने वाली विचारधारा और एक सबका साथ सबका विकास वाली विचारधारा। अपने आप में हमारी विचारधारा जो जिसका नेतृत्व तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी के लोग कर रहे हैं, जो लोग समाज को ये दे रहे हैं कि हम सबके साथ हैं। और एक तरफ जनगणना करके जाति के आधार पर राजनीति करने का सपना देखने वाले समाज को तोड़ने का तो काम कर सकते हैं, समाज को जोड़ने का काम नहीं कर सकते हैं। हम जाति का आधार सेवा करने का आधार नहीं हो सकता। जातियों का उपयोग समाज में और तमाम चीजों के लिए होता है, शादी ब्याह के लिए होता है, तमाम और चीजों के लिए जातियां हुई। जाति का आधार राजनीति का नहीं हो सकता, जाति का आधार सेवा का नहीं हो सकता, जाति का आधार सम्मान का नहीं हो सकता। जो राजनीतिक दल है, जब वो किसी भी दल या शासक हो जाते हैं, सरकार हो जाते हैं, सबको लाभ देने के लिए हो जाते हैं, तब उनका धर्म बनता है कि चाहे किसी ने हमको वोट दिया हो, चाहे न वोट दिया हो, चाहे हमारे आलोचक हो, चाहे हमारे समर्थक हो, सबका विकास होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के लोग, जैसा आप सवाल कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जातीय जनगणना चाहते हैं, इसका आधार क्या होता है? क्या कम जात के लोगों को उत्तर प्रदेश में सम्मान और सेवा पाने का अधिकार नहीं है? चाहे वो जात संख्या में कम हो चाहे ज्यादा हो, सम्मान उनको उसी भांत मिलना चाहिए। अभियान शुरू होने जा रहा है, वहां दूसरी तरफ अभियान का समापन होगा। पर इसके बीच में एक बात तो स्पष्ट समझ में आती है कि रणनीति यहाँ पर पूरी पूरी है, पर इस चुनाव में यहाँ पर किसको फायदा होगा? जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी इस वर्ग को, दलित और पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में करने के लिए प्रयास करती नजर आ रही है, और यहाँ पर देश बचाओ देश बनाओ की यात्रा का अभियान भी शुरू होगा, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय सप्ताह के नाम से एक कार्यक्रम कल यानी अपने स्थापना दिवस पर शुरू करेगी और बाबा साहब की जयंती पर यानी 14 अप्रैल को उस कार्यक्रम का समापन करेगी। तो इस एक बात तो स्पष्ट करती है कि यहाँ इस यात्राओं का, इस अभियान का उद्देश्य केवल और केवल इस वर्ग को अपने पाले में करने का है। निकाय का रोडमैप तैयार हो चुका है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने यहाँ पर हुंकार भर दी है, पर इसके साथ साथ जो सहयोगी दल है, RLD की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या जो अन्य दलों की बात करें जो भी विपक्ष में है, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो यहाँ पर भूमिका निभाएगा कौन? क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर चर्चा करते हैं तो दो राज्यों में सरकार बना के सनसनी में इस समय आम आदमी पार्टी है, तीसरी बार सरकार दिल्ली में बनाई है और पंजाब में पहली बार सरकार बना के, और गुजरात में 13% वोट पाकर और 5 विधायकों को जिताकर आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके जो टारगेट है या उनकी जो उम्मीदें हैं या सबसे महत्वपूर्ण बात है उनका जो लक्ष्य है वो हल्के नहीं है, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाकर ये पार्टी लगातार सरगर्मी बनी हुई है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संजय सिंह की अगुवाई में ये लगातार आंदोलन और संघर्ष कर रही है, वो बात स्पष्ट करती है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी एक बेहतर विपक्ष के रूप में स्थापित भी हो सकती है उत्तर प्रदेश में। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस बात की यहां पर व्यवस्थाओं को कैसे मैनेज करना है, यहाँ पर इस वर्ग के सार कैसे आना है, यहाँ पर इस वर्ग के लिए काम कैसे करना है, ये कोई करना नहीं चाहता। यहाँ पर केवल चर्चा होती है अपने काम को लेकर, या चर्चा होती है अपने लाभ को लेकर, या चर्चा होती है कसीरे पढ़ने को लेकर, या चर्चा होती है बड़ी बड़ी बातों को लेकर, या चर्चा होती है व्यवस्थाओं को लेकर, पर इस वर्ग को लेकर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। अगर इस चर्चा को विराम भी देते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार और स्पष्ट होती है कि व्यवस्थाओं की बात तो हम लोग करते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर संवेदनाओं की, पर इस वर्ग के लिए संवेदना किसके अंदर कितनी है वो सब जानते हैं। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको रूबरू करा दूं, नेता भाजपा प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रवक्ता सपा से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता रालोद से भेपका मिश्रा अपनी बात रखेंगे, नेता आपसे जन प्रसार अपनी बात रखेंगे, और विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ गजेंद्र त्रिपाठी भाई अपनी बात रखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा इस वर्ग की बात करने वाली, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की बात कहने वाली, और इस वर्ग के लिए संघर्ष करने वाली सुभाषपा से उनके प्रवक्ता दयाराम भार्गव अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
तो मेरा जो पहला सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता भाजपा से। विवेक भाई, शुरुआत हो रही है एक कार्यक्रम, समाजवादी पार्टी यहाँ पर करेगी और वो कार्यक्रम होगा 14 अप्रैल से, यानी बाबा साहब की अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम शुरुआत होगी, देश बचाओ देश बनाओ यात्रा अभियान होगा, प्रयागराज से शुरू होगा। तो भाई दूसरी तरफ बीजेपी यानी कल अपने स्थापना दिवस पर सामाजिक न्याय सप्ताह करने जा रही है और इस कार्यक्रम का समापन बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती रहेगी 14 अप्रैल को, उस दिन होगा। फिलहाल कार्यक्रमों का उद्देश्य यहाँ पर केवल एक ही है, वर्ग को अपने पाले में करना, एक उनकी जयंती पर समापन कर रहा है और एक उनकी जयंती से कार्यक्रम शुरुआत कर रहा है, और मुद्दा यहाँ पर केवल है कि इस वर्ग को अपने पाले में करना। रणनीति क्या है? समाजवादी पार्टी आपसे दो दो हार करने को तैयार है, जिस पटकथा पे आप अपने आप को विराजते चले आ रहे हैं, जिस वर्ग को कहा जा रहा है कि आपके साथ आ चुका है, अब उसी वर्ग में समाजवादी पार्टी सेंध लगाती नजर आ रही, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, आज के समय में जी कोई भी समाज जी कोई भी वर्ग जी इतना सक्षम है जी, वो खूब समझ लेता है कि कौन हमें बहला रहा है, कौन फुसला रहा है जी, और कहां हमारे हित सुरक्षित है जी। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम है जी, ये कोई नए नहीं है। अच्छा, ये हर बार हम लोग अपने स्थापना दिवस से इस तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं जो आगे चल के बाबा साहब की जयंती पर समाप्त होता है जी। इसी के क्रम में आप देखिएगा कभी कभी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारे अनुसांगिक संगठनों का जी एक तहरी भोज भी कार्यक्रम चलता है जी मकर संक्रांति के आसपास। अच्छा, देखिए आमतौर पे संघ में कोई जातिगत रेखा नहीं होती। अच्छा, लेकिन चूंकि समाज में जातिगत खाइया विद्यमान है जी, वो खाइया कैसे पटे जी, छुआछूत भेदभाव कैसे समाप्त हो बहुसंख्यक समाज के भीतर जी, इस निमित्त संघ का कार्यक्रम चलता रहता है जी, और उसका भारतीय जनता पार्टी भी समय समय पर अनुसरण करती रहती है। अच्छा, उसमें हम लोग भी शामिल होते हैं जी, ये हमारे लिए कोई नया कार्यक्रम नहीं है। देखिए सब हमारे अपने हैं जी, हम दलित या ओबीसी मान की बात नहीं करते जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात हम करते हैं जी, सबको साथ लेके चलने की बात हम करते हैं। अच्छा, और हमारी इसी ईमानदारी पे इसी बात पे जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हम कोई चुनाव के दृष्टिगत इस तरह का कार्यक्रम लेकर के नहीं आते। अच्छा, ये हमारे दैनिक दिनचर्या का विषय है। अच्छा, ये सारी चीजें हमारे रूटीन में भी हमारे पार्टी के कार्यक्रमों में समाहित होती है। अच्छा जी, इसीलिए आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी में जो उस समुदाय के मेन मेन चेहरे थे जी, जब बहुजन समाज पार्टी का अवसान होने लगा, अवसान होने लगा, तो उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में ही आना अच्छा अपने लिए उचित समझा, और फिर आप आपकी पार्टी चले भी गए। वो भी नहीं, जिसकी आप बात कर रहे हैं जी, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो भी रही हूँ, अच्छा वो केवल एक बहुजन समाज पार्टी के बोल रहे थे कि शोषण किया आप लोगों ने, आप लोग पिछले बार को समझते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, अनदेखी कर रहे थे, 5 साल उनका दम घुट रहा था, इसे छोड़कर चले गए। देखिए ऐसा है जी, वो कभी चुनाव कोई जीत नहीं पाते हैं और इस अपनी प्राथमिकता बनाए रखने के लिए इस तरह के उपाय करते रहते हैं जी। बहुजन समाज पार्टी में जी बतौर नेता रहते हुए भी जी वो चुनाव हार गए थे। अच्छा, और ये सब उनके साथ समस्या रहती है। अच्छा, लेकिन जो और चेहरे रहे बहुजन समाज पार्टी के, खासकर जिस विषय जिस वर्ग को आप लोग दलित वर्ग के नाम से संबोधित करते हैं जी, वो चेहरे आज भी भारतीय जनता पार्टी में विद्यमान है। अच्छा, विद्यमान, और भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छा कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अच्छा, दारा सिंह चौहान कौन थे जो बता दीजिए।
देखिए दारा सिंह चौहान जी वो भी छोड़ के चले गए थे, आपको वो भी संतुष्ट नहीं थे? बता रहा हूँ, देखिए चौहान बिरादरी जी जहाँ तक मेरी जानकारी ओबीसी में आती है। अच्छा अच्छा। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जी जो लोग गए जी उनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं है। अच्छा। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी का विषय है वाली बारे सबके लिए कहते हैं आप, जो छोड़ के आपको जाता है ओमप्रकाश राजभर जी आपको छोड़ गए तब भी आप ये बात बोलते हैं कि उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी, ये महत्वाकांक्षा होती है? ये बताइए कौन सी महत्वाकांक्षा होती है, वो भी सुन ले जरा हम, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं आपको। जो लोग छोड़ के जाते हैं। अच्छा। जो लोग छोड़ के जाते हैं जी ये तो वही बता सकते हैं कि उनकी क्या इच्छाएं पूरी रही हुई। अच्छा अच्छा। कैबिनेट मंत्री थे, पार्टी ने पूरा सम्मान दिया जी, पार्टी में ऊपर संगठन में स्थान दिया जी, उसके बाद अगर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये तो वही बता सकते हैं कि उनकी कौन सी इच्छा पूरी रही हुई। किसी भी इतने बड़े राजनीतिक दल में जी पूरे खानदान भर को तो टिकट दिया नहीं जा सकता। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो स्थिति है उसको तो आप बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा। मैं इन बातों में नहीं आता। अच्छा। विषय जो आपने आज छेड़ा है, जिस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा। सामाजिक न्याय सप्ताह पखवाड़ा। अच्छा। सामाजिक न्याय सप्ताह कह लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, एक ही बात है। हाँ। तो ये हमारा कार्यक्रम कोई आज से नहीं है। अच्छा। इस तरह के कार्यक्रम हम हर बार करते रहे हैं। तो मुझे लगा शायद चुनाव आगे से कर रहे हैं। नहीं, चुनाव होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाला दल है। अच्छा। और हमारे यहाँ कोई विश्राम नहीं होता। अच्छा। हमारे यहाँ रणनीतियाँ चुनाव के निमित्त नहीं बनती। अच्छा। हमारी जो नीतियाँ हैं वो किस तरह से समाज का उन्नयन हो, समाज उन्नत करे, देश प्रदेश उन्नत करे। अच्छा। जनता के मेहमान भी है, समाजवादी पार्टी लगातार इस वर्ग को अपने पाल में करने प्रयास कर रही है, शायद आपके सेहत लगाएगी, आपको नुकसान भी हो सकता है। देखिए, जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा। स्वस्थ मन से प्रयास करें। अच्छा। अच्छे तरीके से करें और इस समुदाय के साथ आगे कभी धोखा करने का उपाय ना करें। अच्छा। जैसा कि पूर्व में जी मायावती जी के साथ। अच्छा। दलित समुदाय की बेटी के साथ समाजवादी पार्टी ने जो हरकत की जी, उस तरह की हरकतें अच्छा दलित समुदाय के साथ दोबारा जी समाजवादियों द्वारा न की जाए। ठीक। हम यही चाहते हैं। ठीक है, ठीक। आप आए, बिल्कुल उनके बीच जाए, उनको गले लगाए, उनको मुख्यधारा में लाए, सब लोग लगे। अच्छा। सब लोग उनको मुख्यधारा में लाने का प्रयास करें। ये तो उन्हें तय करना कहाँ उनके हित सुरक्षित है, कहाँ नहीं सुरक्षित है। चलिए, वो तो कोई अगर इस तरह के प्रयास तो कर रहा है वो तो ये वर्ग जानता है, मना नहीं कर सकते कहाँ सुरक्षित है। ठीक है, उसको हम मना नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। प्रवक्ता सभा ना मुश्किल चंचल यादव आप में जुड़ चुके हैं मेरे साथ। चंचल यादव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी चंचल भाई, ये बोल रहे हैं कि आप लोग जा रहे हैं वो ये वर्ग जानता है कि आप किसके साथ में है और आपने पूर्व में क्या किया है। अगर आप इस वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं, शायद इस वर्ग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ बीजेपी को कब होता नजर आ रहा है, पर दिखाई भी दे रहा है कैसी राय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभियान चलाने की जो चर्चा हो रही है, देश बचाओ देश बनाओ यात्रा, क्या इस तरह का अभियान है? इस अभियान के माध्यम से समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती है, क्योंकि बाबा साहब की जयंती पर अभियान की शुरुआत करनी चाहिए। जी चंचल, हमेशा से सबको साथ लेके चलने की बात करती है जी। और आज तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जी धर्म जाति और जाति के आधार पर राजनीति करने का काम करते हैं जी, और आप देखिए जी पूरे देश में जी जितने वादे ये किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं। आपको उन्होंने वादा किया था जी हर साल 2 करोड़ रोजगार जी, किया था किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी जी, जब देश अमृत काल मना रहा होगा उस समय हर गरीब के पास पक्का मकान होगा, उस मकान में मकान ही नहीं बल्कि मकान में नल होगा, जल होगा, जल के अंदर मग होगा, बाल्टी होगा, तो ऊर्जा, और न जाने कितने सपने दिखाए थे।
ये सारे बड़े बड़े और अगर आप देखें जी, और ये लाल किले की प्राचीर से लोग वादे किए थे, आप याद होगा आदर्श ग्राम बनाएंगे, आपको याद होगा जी उन्होंने कहा था स्मार्ट गांव बनाएंगे, सच्चाई पूछिए हमारे बैठे हुए जी, अगर पूछा जाए बता दो आदरणीय प्रधानमंत्री जिन दो गांव का गोद लिया था उन गांव का क्या हालत है जी, शायद भारतीय जनता पार्टी या कोई नेता उसके ऊपर बोलना नहीं चाहता जी, हर रोजगार की बात आप करते पकौड़ा तलने को रोजगार मानते हैं जी, बहुत डिस्टर्ब आ रही है करो के नाम पे काम करते हैं जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी देश बचाओ देश बनाओ आज सबसे बड़ा सवाल है जी, देश कैसे बचे जी, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं जिस तरीके से लोकतांत्रिक वैल्यूज जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनके की लगातार हत्या हो रही है, आपने देखा होगा जिस तरीके से टीवी सीपीआई है चाहे विजिलेंस है इनकम टैक्स है जितनी भी हमारी एजेंसियां ईडी है उन सारों का दुरुपयोग किया जा रहा है जी, अभी देखा होगा आपने कर्नाटक के विधायक के घर से 6 करोड़ रुपए मिले विधायक के लड़के घर जी बिल्कुल संस्था कैसे उपयोग करता है शायद जनता भी जानती है, शायद हम जैसे खबरन भी को पता है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर हम पढ़े नहीं करेंगे ना, उसको आज चर्चा मैं कर रहा हूँ फिलहाल। चंचल भाई अपनी बात पूरी करिए, बोलिए जी। देखिए तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोग जो है ये केवल मिसगाइड करने का काम करते हैं। आज के समय में जो सवाल है आप बताओ, 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 रुपए का मिल रहा है, आज के समय में सवाल है डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल की कीमत कितनी डाउन हुई, उसके बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने रेट में डीजल पेट्रोल आम जनता को मुहैया करा रहे हैं। आज किसान की आय बढ़ाने की बात करने वाले लोग, किसानों की लागत दोगुनी हो गई है, क्या उसके बारे में कोई बात हो रही है? नहीं बात हो रही। जो पोटाश 2014 में 550 का मिलता था 1850 का मिलता है, जो डाई यूरिया जो है इतनी महंगी हो गई, किसान आम आदमी खेती नहीं कर पा रहा है, उसकी लागत दोगुनी हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमलेबाजी के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 15-15 लाख हर गरीब खाते में पहुंच जाएगा, हर एक खाते में पहुंच जाएगा, लेकिन क्या हुआ उसका, वो जुमला साबित हो गया। तो ये सवाल हम लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और जनता जागरूक है। इस बार 2024 में जनता देश बचाने की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि देश रहेगा देश कहां जा रहा है, देश का खत्म हो रहा है क्या, बचाने की बात कर रहे हैं आप, देश कहां जा रहा है? आप पूछिए आज जो पिछड़ी जाति SC ST का आरक्षण खा रहे हैं लोग। अच्छा, मैंने आपको बताया दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अभी नियुक्तियां हुई थी, 16 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी राजनीति शास्त्र में, अच्छा पॉलिटिकल साइंस की, और उन्होंने 16 में 4 सीटें जो है पिछड़ी जाति की थी, इन्होंने 2 सीट जो है पिछड़ी जाति के लोगों को ज्वाइन कराया और 2 पे NFS कर दिया, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट मिल गया इनको, इनको कैंडिडेट नहीं मिले। अच्छा, अभी आप विश्वविद्यालय के अंदर देखिए जितने विश्वविद्यालय में पक्षपात है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लो एक जाति विशेष का केवल काम होता है और समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। कम से कम आपको ये बताना पड़ेगा जी, कम से कम सबको सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग थे, आज वो सबका साथ सबका विकास नहीं, तो आपको चुनाव के समय वर्क क्यों आ रहा है? विकास चंचल यादव जी, आपको चुनाव के समय वर्क क्यों आ रहा है? किसी का इसका बहुत आवाज कर रहा है, उसका साइन करिए। चंचल यादव, आपको चुनाव के समय याद क्यों आ रहा है वर्ग? देखिए चुनाव के समय नहीं, अगर आपको याद होगा समाजवादी पार्टी ने आपको देखिए जो चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे समाजवादी पेंशन का काम हो, चाहे अभी आपका लखनऊ के अंदर जो बड़े बड़े अस्पताल बने तो समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए बने, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया लखनऊ के अंदर हम लोगों ने, JPNIC की बिल्डिंग बनाई, एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक जो है भाई इस वर्ग की बात कर रहा हूँ, इस वर्ग के लिए बनाया क्या, ये जनता के लिए बनाया, जनता वर्ग में थोड़ी ना, मैंने यही तो बोला
मैं यही तो बोल रहा हूँ कि समाज के हर वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी काम करती है। अच्छा, आपने सवाल किया ना कि समाजवादी पार्टी को अभी वर्ग का ध्यान क्यों आ रहा है। अच्छा भाई, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना, जब मैं बिल्कुल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आपके पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते तो आपके पार्टी के तमाम लोगों को दिक्कत होती है, वो विरोध करते हैं, तो जब अंदरूनी ही यहाँ पर कलह रहेगी तो आगे कैसे लड़ेंगे भाई? देखिए आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बयान दे रहे थे, उन्होंने उन्होंने जो मानस की चौपाई, देखिए समाजवादी पार्टी प्रभु श्री रामचंद्र जी में पूरी आस्था है हमारी जी, और जो है हम लोग आस्था है, आपके आपके पार्टी के नेता बयान देते हैं उस पर आपके सपा प्रमुख कुछ हिदायत नहीं देते हैं जी, बोलिए। नहीं देखिए उसमें कुछ चौपाइयां हैं उसको लेकर के बयान की बात हुई है, लेकिन राम आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी ये नहीं कहा रामचरितमानस का विरोध थोड़ी उन्होंने किया। अच्छा, उन्होंने कहा कुछ चौपाइयों का विरोध कर रहे थे। अच्छा, और सुनिए, और कोई भी तुलसीदास जी भी एक एक, एक इंसान ही थे, अगर उनसे भी कोई रायबरेली में आज नारे लगवा रहे थे हवा में, जय सियाराम, ये क्या था, ये भी सम्मान था क्या? नहीं देखिए हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग सियाराम में विश्वास करते हैं, हम लोग सीताराम बोलते हैं, सुबह उठते हैं तो अभी किसी से दुआ सलाम करते हैं सीताराम। अच्छा, सियाराम नहीं, आप हम लोग बोलते हैं, मैं आपकी बात का यहाँ पर सम्मान करता हूँ, पर जो आपके नेता जो कर रहे हैं, जो नारे लगवा रहे हैं हवा में उड़कर जय सियाराम, वो सम्मान कहाँ जाता है, उस समय सम्मान कहाँ चला जाता है? नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा जीवी, आपको याद होगा भगवान राम के नाम पे ये लोग जो है चंदा इकट्ठा करके अरबों खरबों रुपए डकार गए ये लोग, अभी देखिए आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर आपकी कितनी जमीनों को, कितने जमीनों को, उसी ठीक है चंद्र भाई हो गया दलाम भार का सुभाषपा भाई, आप तो मैं चाह रहा था आप तो जरूर बोलेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की पहले बात करेंगे मुझे उम्मीद है सुभाषपा से, बिल्कुल मुझे लग भी रहा है धर्म भाई अपनी बात रखेंगे भाई, यहाँ पर इस वर्ग के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, और यहाँ बुराई क्या है धर्म भाई, अगर कोई वर्ग के लिए कोई आगे आ रहा है, अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ रही है तो ये बीजेपी में भी दिक्कत है, आपको भी समस्या हो रही है, अन्य पार्टियों की समस्या हो रही है, कोई वर्ग अगर आगे आ रहा है उस वर्ग को आगे लाने के लिए समाजवादी पार्टी मजबूर विपक्ष है भाई उत्तर प्रदेश में, अगर काम कर रही है तो क्या दिक्कत है? देखिए गौरव भाई जी, अगर कोई इस पिछड़ा जो 38% उत्तर प्रदेश में है अगर देते, हाँ, वंचित समाज को देते तो फिर आवाज क्यों आती? अच्छा, आज समाजवादी पार्टी रायबरेली में जिस तरह से इनके राष्ट्रीय महासचिव जी ने जो नारा लगवाया जी, ये नारा कितना सही है कितना गलत है, जिस नारे को इनके लोगों ने उठाया, जो लोग उस आस्था से समर्थित हैं, जो आस्था को मानने वाले लोग हैं, वो तो इनका वोट खत्म हो गया। अच्छा, इनको ये पक्का माने। अच्छा, वो खत्म कर दिया। दूसरी बात, अच्छा सुनिए, दूसरी बात, जो आज समाजवादी पार्टी कह रही कि 14 अप्रैल से हम देश बचाओ देश बनाओ की यात्रा निकालेंगे, तो हमारी तरफ से हम इनको सलाह दे रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये देश बचाओ और देश बनाओ नहीं है, भ्रष्ट विधायक सांसद बचाओ। अच्छा, भ्रष्ट विधायक सांसद बचाओ, 38% अति पिछड़ा बंतिस समाज का हिस्सा खाओ। अच्छा, ये समाजवादी की नीति। अच्छा, इनकी नीति। दूसरी बात, अच्छा कौन से भ्रष्ट विधायक सांसद जो बचाने जा रहे हैं बता दीजिए। दूसरी बात, आज ये जाति की बड़ी जनगणना की बड़ी चर्चा करते हैं, मैं अपने मित्रवर भाई चंचल यादव से जानना चाहता हूँ, 4 बार आपकी सरकार रही भैया, तो कहा आपकी सरकार भांग खा के सो रही थी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, 4 बार आपकी सरकार रही तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की जहमत आपने क्यों नहीं उठाया? अच्छा, तो क्या भांग खा के सरकार सो रही थी? अच्छा, और इसी देश में एक निशान एक संविधान तो एक अनिवार्य फ्री शिक्षा सरकारें क्यों नहीं लागू करती? अच्छा, तो भारतीय समाज पार्टी हमेशा मांग करती है। अच्छा, इसी के तहत अगर देश और प्रदेश की वाकई में आर्थिक स्थिति और देश को नंबर वन पे ले जाना चाहते हैं, तो रोजगार पर शिक्षा सरकारें क्यों नहीं लागू कर रही है? अच्छा, हम तो बीजेपी के समाज क्यों मांग रहा, बीजेपी से मांगे ना, प्रवक्ता बैठे बीजेपी की सरकार रही है, बोल लीजिए आप सपा को टारगेट क्यों करते हैं जी, बोलिए। मैं बता रहा हूँ, अच्छा एक बात बताएं, मैं ये किसके लिए कह रहा हूँ, आप बताइए, आज भी समाजवादी पार्टी के जो रायबरेली में जिस तरह का नारा लगाया गया, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में भी नारा लगा था। अच्छा, मैंने बताया नहीं, दोनों पार्टियां झगड़ा कराने में बड़ी भाई बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, सपा और भाजपा झगड़ा करवाती है। अच्छा, लेकिन जनता को अच्छा, देखिए ना, अच्छा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, सुन लीजिए नारा भाई, मैं कह रहा हूँ सुन तो लो भाई, अरे सुनो सुना दीजिए, गौरव भाई सुनोगे, सुनाइए सुनाइए सुना दीजिए,
हम ये कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई में वंचित समाज को अति पिछड़ा समाज जो 38 मिलियन उत्तर प्रदेश में है जिसने बोरा भर करके भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार जिताया है उसको हक अधिकार क्यों नहीं देते हो भाई। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी चिमटे से सोचना नहीं पसंद करती, चिमटे से भारतीय जनता पार्टी छूना नहीं पसंद करती और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी। मेरे दो सवाल ले लीजिए, बाकी मेहमान को लेता हूं, मेरे दो सवाल ले लीजिए। अभी हाल में ही ओमप्रकाश राजभर जो आपके प्रमुख हैं उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह से हुई थी, जब उनसे पूछा गया ये मुलाकात कैसी थी तो बोले शिष्टाचार मुलाकात है। और तो मेरा मानना यह है जब इतनी आपकी मांगे हैं तो इस शिष्टाचार मुलाकातों में कर लिया करिए कि भैया सामाजिक न्याय समिति कर लीजिए, बोल लीजिए। एक सवाल और ले लीजिए, अभी आपने सपा पर भ्रष्ट विधायक और सांसद को बचाने का आरोप लगाया, अब्बास अंसारी कौन है? अब्बास अंसारी हमारे पार्टी के सिंबल से विधायक है, नेता समाजवादी पार्टी लीजिए। अब संजय यादव बताइए, संजय भाई अब सुन तो लीजिए, विधायक के है सिंबल समाजवादी पार्टी का है, अभी सुनिए, सुन लीजिए, सुना लीजिए। आदरणीय जल्दी बोलिए, ओम प्रकाश देखिए दयाराम भाई बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन गलत जगह साल भर क्यों मिलते हैं? बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इस क्षेत्र के वो विधायक ये पीला गमछा तो पहनते हैं लेकिन अभी विधानसभा में होती रहती है, क्या पंजाब में क्या करके हिस्सा मांगेंगे? इनको पता है कि जनता में जो है प्रकाश राजभर जी हैं, चुनाव आएगा तो सारे चुनाव सारे टिकटों की खरीद फरोख्त हो जाती है, बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे दयाराम भाई फिर नहीं बैठेंगे, इसलिए मैं दयाराम भाई से कहता हूँ की कम से कम अभियान चलाने जा रही सपा, आप सहयोगी दल है और आपने कहा है कि ये बंधन अटूट है और फिलहाल ये बंधन जब से हुआ है तब से अटूट ही नजर आ रहा है। मैं और बंधनों की बात नहीं करूंगा, जो गलबगे से गलबगे डाल के हवाई जहाज यात्रा करते हुए और प्रचार कर रहे थे उनकी बात नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो दयाराम भाई नाराज हो जाएंगे। खैर, जो अभियान चलाने सपा जा रही है उसको लेकर आपकी क्या राय है और वास्तव में इस वर्ग के लिए अगर काम नहीं हुआ है तो अब आगे बढ़ने की कवायद से यहाँ पर शुरू हो गई है इस वर्ग को अपने पाले में करने के लिए, जी कैसे देखते हैं? देखिए गौरव भाई जी, भारत रत्न बाबा साहब जी की जयंती को लेकर के जी ये कार्यक्रम और रूपरेखा तय की गई, ठीक है। ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तय है, ये राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी तय है जी, हम उनके सहयोगी दल हैं जी, हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब को एक विशेष वर्ग का नेता चिन्हित करना ही जी सबसे बड़ा अन्याय है लीजिए। वो देश के नेता, चलिए वो समाज के नेता, उनके कार्यक्रम पर ये जो जद्दोजहद हो रही है ये बहुत अच्छी बात नहीं। चलिए, राष्ट्रीय लोकदल तो सीधे किसान की बात आती है तो आप सभा को मना कर देंगे कि किसान के जो मुद्दे हैं वो इन सारी व्यवस्थाओं में गौड़ हो जा रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि 31 मार्च तक जितने भी आवारा पशु हैं वो सब गौशालाओं के अंदर होंगे जी, इस पर जवाब देना चाहिए सरकार को पहले। अच्छा, और उसके बाद और कार्यक्रम की चर्चा करनी चाहिए। अच्छा, गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अच्छा, आपने कहा कि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, किसान मुद्दा नहीं है, कहां हो रहा है जी। तो इन सारे जातियों में विभाजन करके समाज का जी, और ये जो मूल मुद्दे हैं जी, इन पर ध्यान केंद्रित न करना जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है। अच्छा, आज भारतीय जनता पार्टी महंगाई का मां कहने को तैयार नहीं। अच्छा, आखिर क्या वजह है कि ये जातियों में उलझा करके अगर किसी अन्य दल के नेता पर आरोप लगाते हैं तो वो किसी वर्ग विशेष के लिए ये कहते हैं कि साहब इन्होंने इस वर्ग का अपमान कर दिया। अच्छा, और जब वो कार्यक्रम शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि अब इस विशेष वर्ग के लिए हम कार्यक्रम शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या बात, ये किसान की बात क्यों नहीं करते हैं, आम जनमानस की बात क्यों नहीं करते हैं, मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं, जन समस्याओं की बात क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी को जी एक विशेष वर्ग में केंद्रित करके जी और उस पर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करना और उनको वोट बैंक तक ही सीमित करना। आप सहयोगी भी कर रहे हैं भाई, उन पर भी कुछ बोल दीजिए। देख, सपा वाले कर रहे हैं भाई, देखिए सहयोगी हमारे जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, अभी माननीय काशीराम जी की उन्होंने मूर्ति लगाई, बड़ी हाथोबा मच गई। अच्छा, क्या साहब वो समाज के नेता नहीं है?
बिल्कुल क्या उसी एक वर्ग के नेता बना करके उनको आप छोड़ देंगे? अच्छा, क्या हमको उनको श्रद्धांजलि देने का अधिकार नहीं? अरे बिल्कुल अधिकार है। भरावा साहब की जयंती मनाने का हमको अधिकार नहीं? बिल्कुल है। तो बेबे भाई बताएंगे अधिकार कितना आपको? ये नहीं, कोई किसी के लिए पेटेंट नहीं है जी, बेबे भाई बताएंगे। और अगर कोई किसी के लिए पेटेंट करता है तो इसका मतलब समाज में विभाजन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, विभाजन नहीं होना चाहिए। सभी को इस जो हमारे लोग हैं इनका सम्मान करने का और अधिकार बराबर का है, वो चाहे हमारे साथी हो या हमारे विपक्ष। मैं अभी आप दोनों को मौका दूंगा, ठीक है। जनक प्रसाद आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर सभी वर्गों की बात करती है, बोलती है कि हम सभी वर्गों के हैं, हम जनता के बीच कोई मतभेद नहीं रखते हैं, कोई विभाजन नहीं करते हैं, सभी वर्गों के हम हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस वर्ग को आम आदमी पार्टी में कितना प्रतिनिधित्व मिला है, कितनी जगह मिली है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि अभियान तो आप भी चलाते रहते हैं, अभियान प्रकोष्ठ आपके यहाँ भी है, काम आपके यहाँ भी होता, संघर्ष आपके यहाँ भी जारी है, पर इस वर्ग को लेकर जहाँ पर एक तरफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी फिलहाल यहाँ पर पीछे नजर आ रही है। देखिए साहब, हम गौरव साहब ये देखिए जी कि भाजपा ने, हमारे श्रीवास्तव जी ने कहा, हाँ प्रवक्ता जी ने जी, कि हमारी पार्टी सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास विकास करते हैं ये, लेकिन जो आज की परिस्थितियों में जो हो गया है, जो चुनाव के टाइम पर नारा खूब लगाते हैं, अच्छा, लेकिन करते क्या है ये? सबका साथ, अडानी का विकास और भगोड़ों का विश्वास, अच्छा, इस पे ये काम करते हैं। अच्छा, तो अब बताइए कि आज अप्रैल में इसका विकास कहां से हुआ? अप्रैल में कम से कम हर प्रोडक्ट के ऊपर 10-25% प्राइस बढ़ गए। क्यों बढ़ गए आपके? क्या आपने लोगों का इनकम बढ़ाई? वहीं दिल्ली में आप देख लीजिए, मिनिमम वेजेज अरविंद जी ने जो फिक्स किया है वो मिनिमम वेज 18,000 रुपए मिनिमम वेज है। अच्छा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के देख लीजिए, ये हर सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं जो उसमें 27 मुद्दा नहीं जनक भाई, मेरा आज की डिबेट का मेरा मुद्दा यह है कि आप, मैं विकास पर मुद्दा ले लूंगा, बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी विकास पर, विकास सभी की है, मुझे सबका विकास पता है, पर यह महत्वपूर्ण है कि जो वर्ग को यहाँ पर फिलहाल एक अभियान बना के इस वर्ग को अपने साथ, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था, ये जब चुनाव का टाइम आता है तो सबको पैर धोने का काम करते हैं। अच्छा, अभी नॉर्दर्न रेलवे में सफाई कर्मचारी थे, मतलब उसमें ठेके में ठेका, अच्छा, यानी कि ठेकेदार एक ले रहा है उसमें फिर ठेका दे रहा है, अच्छा, बेचारे सफाई कर्मचारी नॉर्दर्न रेलवे को मैंने न्यूज देखी थी कि उसमें वो रो रहे थे 8,000 रुपए, 8,000 में क्या बच्चा पढ़ाएगा? अच्छा, आपने स्कूल बंद कर दिए, अच्छा, आपने अस्पतालों के दबाव के रेट बढ़ा दिए, अच्छा, तो वो क्या 8,000 में बच्चा पढ़ाएगा? क्या आप वो बीमार पड़ने पर इलाज कराएगा? ये इनका हकीकत है ये। अच्छा, आप बता दीजिए ना, डीजल पेट्रोल के दाम जो है, क्रूड ऑयल के दाम, इस समय क्या है? आप देश को लूट रहे हो आप लोग जी। आप जीएसटी, आटे पे जीएसटी बढ़ा दे रहे हो आप, ये विकास है इनका जी। आटे पे जीएसटी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप रोटी भी, आपको 5 किलो अनाज का इंतजार रहा सरकारी का, जो आप सबको मतलब भुखमरी के दौर पर लाके आप 5 किलो अनाज दिला के देश का विकास सब जताना चाहते हो आप। अच्छा, ये दुर्भाग्य देश का। अरविंद जी वही काम क्या कर रहे हैं कि वहां पे सरकारी अस्पताल इतने अच्छे हो गए हैं कि अगर आपको 1 करोड़ का इलाज भी मिलेगा तो सरकार हमारी पेमेंट करती है। अच्छा, इसे विकास कहते हैं। अच्छा, स्कूल इतने अच्छे हो गए, अगर आपके बच्चे को IIT में एडमिशन हो गया है, अच्छा, आपको बच्चे कोचिंग करनी है, अच्छा, तो हमारी सरकार उसको फीस देती है, आपको चवन्नी देने की जरूरत नहीं है। इसको सबका साथ, किसी जाति के बताइए, ब्राह्मण का बच्चा, छत्री का बच्चा, वैश्य का बच्चा, अगड़ा पिछड़ा, सबका बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है। दिल्ली में कौन सी सरकार है आपकी? आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार है जी। आज तक यमुना साहब नहीं कर पाए आप। सर अरविंद जी ने लिखा हुआ है, मेरे पास 3 डेट है इसकी। सर 25 मेरे पास 3 तारीखें हैं जो अरविंद केजरीवाल ने बोली थी, आज तक यमुना साहब नहीं कर पाए। देखिए आप, उस पर पूरा प्रोसेस चल रहा है सर। अच्छा, और उन्होंने कहा है कि 25 के इलेक्शन में जब विधानसभा उतरेंगे तो हम सबके साथ नहाने जाएंगे। अभी आप भी, अगौर जी आपको भी लेकर चलेंगे। मैं दिल्ली में रहा हूँ भाई, मुझे पता है। सुनिए, मेरा कहना है, यहाँ पर आप बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे थे, मैंने से एक सवाल पूछा, यमुना कब तक साफ हो? 25 में आप, हम साहब साथ में, पत्रकार बंधु साथ में नहाने चलेंगे। सभी ये इन्विटेशन, सभी पहले सुन लीजिए भाई, इन्विटेशन सुन लीजिए, ये हमारी पार्टी की बड़ी बात है। ये फर्जी डिग्री वाले नहीं है। अच्छा, फर्जी डिग्री वाले नहीं है, IIT गोल्ड मेडलिस्ट है वो। अच्छा, वो कैलकुलेशन टिप पे रहती है, वो A² होल स्क्वायर पर गुणा भाग पर क्या वो बोलते हैं, वो वाली सरकार नहीं है सर। चले ठीक है, एक मुद्दा ले लेता हूँ, कूड़े के ढेर अभी भी दिल्ली में, वो कब साफ होंगे?
देखिए कूड़े के ढेर अभी अभी जहां पर आप जहां पर आपके राष्ट्रीय संयोजक हरे रंग की कालीन बिछवा के जाते हैं, वीडियो देखा है आपने? नहीं देखा? बिल्कुल देखा है सर। आपका बिलीव आपने पूरा प्रोजेक्शन दे दिया अरविंद जी ने, आपने देखे उनका? अच्छा अच्छा, पूरा प्रोजेक्शन दिया है कि हम कैसे कैसे काम करेंगे। दो सवाल ही मेरे पास, ठीक है। अभी तो मेयर हमारा बना है, मेयर बनाने में 2 महीने लगा दिए उन लोगों ने। चलो ठीक है, वो भी साफ हो जाएंगे। 25 का इंतजार करेंगे, ठीक है। गजेंद्र भाई जी, सबकी सुन लिया आपने, आपको बेहतर समझ है कि इस समय स्थिति क्या है, अभियान क्या है, वास्तविकता क्या है, और वास्तव में इस वर्ग का कौन कैसा है? जी देखिए, सब लोग अपने अपने जी व्यवस्था के अनुरूप जी स्थापित करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का जी, वहां से वो स्टार्ट करते हैं अपने आप जी, जबकि संघ जो उनका एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है जी, वह लगातार काम करता है जी, मात्र संगठन है, तो उसके लिए यह लड़ाई बहुत आसान समझ में आती है, क्योंकि लगातार रोज लड़ता है सुबह अच्छा, और शाम तक लड़ता है। ये लोग नहीं लड़ते क्या बाकी? और बाकी लोग की क्या स्थिति है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं। अच्छा, कि संगठन के नाम पर महीने में एक दिन कभी बैठ करके चर्चा भी नहीं होती। अच्छा, मेहनत नहीं होती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, बाकी लोग जो सरकार है, दो दो राज्य बना रहे थे, दिल्ली में ऐसा है, सरकार बनाई, सामने आ रही है ना, पंजाब में बना ली, आप लोग ये क्यों? डेटा दे रहा हूं जी, बोल दीजिए, आपको डेटा दे रहा हूं, बोल लीजिए। मैं आप 111 विधानसभा के आ गए, कैसे आ गए? मैं आ रहा हूं, जिसके विषय में बात हो रही है वो वहीं आ रहा हूं, बोल लीजिए। मेरी कोई यहां पर पार्टी नहीं है। अच्छा, मैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जी, दिल्ली जी, महाराष्ट्र जी की बात कर रहा हूँ, इसमें मेरे पास जो डेटा है। ठीक है ठीक है। SC ST के 56-60% बच्चे 12वीं के बाद ग्रेजुएशन नहीं करते। बहुत बढ़िया बात, बहुत सही आंकड़ा आपका। अब आप मुझे बता दें जी कि वह जो जनमानस है जी, वो इस समाज में पीछे जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल जाएगा, सच्चा जरूरी, उसको कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, 5 किलो आटे और 5 किलो चावल तक वो सीमित हो जाता है जी जी। दूसरा जी, मलेगा कोल कट गया भाई, उत्तर प्रदेश में आता है जी, अति पिछड़ा वर्ग, 46% बच्चे जी 12वीं के बाद ग्रेजुएशन नहीं करते जी। ठीक, इस वर्ग में जब आप नौकरी का स्तर देखते हैं जी, तो आप उठा के देखिए तो किस हालात में जीते हैं जी। मोदक उस वर्ग में कितनी फीस बढ़ोतरी बढ़ा दी, वही बता दीजिए निवेदन जी जी। दूसरी बात जी, जहां पर अति अति पिछड़ा वर्ग का 46% बच्चा ग्रेजुएशन में नहीं जाता है जी, उसके लिए जॉब के रोजगार के जो रास्ते हैं बिल्कुल वह वहीं बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा, बहुत मुश्किल से, संघर्ष से, एक तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है जी। SC ST में देखिए, प्रमोशन में ग्रेजुएशन का विरोध कब हुआ था जी? कुछ लोगों को एक रास्ता देने की व्यवस्था की गई थी जी, लेकिन कुछ दल ऐसे थे जो उसका भरपूर विरोध किए वहां पर। अच्छा, उनको रास्ता नहीं मिला। नाम बता दीजिए। ठीक है, सपा की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, सपा की बात कर। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या है? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर उसका अस्तित्व जो भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर लड़ना है तो उसी से लड़ना है। क्या बात। अब समीकरण यहां पर एक आ जाता है कि कहीं जल्दी बोलिए, हाँ, कहीं ओम प्रकाश राजभर और बहन जी का समीकरण ना आ जाए, नहीं तो ये दोनों लोगों की लड़ाई वहीं पे खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि वो दोनों धरातल के नेता हैं। अच्छा, दोनों के पास अपना वोट बैंक है। दारा में खुश हो गए निश्चित तौर से। अच्छा, और जो इन लोगों से बचते हैं, जो लोग अच्छा, जो इन इन सभी को छूना नहीं चाहते हैं अच्छा, वह आम आदमी पार्टी। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, जवाब जवाब देता हूं। ठीक है, मैं इस बात पे एक बार जरूर बोलूंगा कि जो अभी आपने बात कही कि धरातल के नेता है और मेहनत करते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, पुराने नेता है, पर जब बात इस वर्ग की कठिनाइयों की आती है, जब बात इस वर्ग की समस्याओं की आती है, जब बात इस वर्ग के शोषण की आती है, तो शायद उस समय कोई आवाज नहीं उठाता। नहीं, और ये नहीं नहीं, ये मैं देखा हूं, कई बार स्थिति रहती है, तमाम मामले ऐसे होते हैं। भाई, मुझे आंकड़े पता है, मैं खबरन भी हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास मामले आते हैं, कोई नहीं आता। मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, बोल दीजिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो जी, ठीक है, जिस दिन सरकार बनती है जी, गरीब, लाचार, मजबूर अच्छा, आंखों में रोशनी बढ़ जाती है उसी। अच्छा,
और वह जान जाता है कि बहुत बढ़िया बात है, मेरी बात का जवाब आपने दे दिया जिन भाई, यानी आप केवल जब आपकी सरकार होगी तो आप इस वर्ग के लड़ेंगे। आज ये बताइए सरकार नहीं तो फिर नहीं लड़ेंगे, जो जिम्मेदारी नहीं आपकी, अगर आप इस वर्ग की बात बोलते हैं तो सरकार नहीं होने पे इस वर्ग पर लड़ाई नहीं ली जाएगी, ये वर्ग को अकेला छोड़ दिया जाएगा जी। जिम्मेदारी उसकी होती है, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार जिम्मेदारी सरकार की है, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है, अच्छा, कि 56% बच्चे ग्रेजुएशन ठीक है, ठीक है संचल यादव बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। देखिए मैं बड़े भाई है गजेंद्र भैया, बहुत पुराने जाने वाले मेरे, मैं तो धन्यवाद करता हूँ, कम से कम कई सारे आंकड़े उन्होंने दिए जी, लेकिन आज अगर आप देखें जी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई गार्जियन नहीं जी जो अपने बच्चों की फीस को लेकर परेशान ना हो, बिल्कुल है। और तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कही थी कि कोरोना के समय में जो जिन गार्जियन से फीस ली गई थी, फीस वापस की जाए जी, किसी भी स्कूल ने फीस वापस करने की कोई पहल नहीं की, ना ही सरकार के कान में झूठ रेंग रहे। हम लोग अक्सर कर चैनल में बात उठाते हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हम सबके बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरीके से स्कूलों ने खुला लूटा है आम जनमानस को, और एक बड़ी बात है। देखिए जो ये भाजपा सरकार है, मैं हल्का सा गजेंद्र सर की बात को आगे बढ़ाता हूँ, जो भाजपा सरकार आप सबको आज राशन दे रहे हैं, पूरे बजट का तकरीबन 6% केवल राशन बांटने में खर्च कर रहे हो आप, पूरे देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हो आप, जो जो शिक्षा का बजट है साल दर साल आप कम कर रहे हो जी। देश आने वाली पीढ़ियां, सच बताऊंगा जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे बिजली प्रवक्ता बैठे हैं, जब इनसे भी पूछा जाएगा कि जब उस समय आप कहां थे, चंद उद्योगपति पहुंचाने के लिए देश को गिरवी रखा जा रहा था जी। देश के नैतिक मूल्यों संवैधानिक संस्थाओं को गिरवी रखा जा रहा था जी। तब आप अपने आने वाली पीढ़ियों से नजरें नहीं मिला पाओगे, इसलिए समय कम से कम आप सभी हम सभी नौजवानों को कम से कम एक साथ ये बात जरूर कर रखनी चाहिए कि जो अंतरात्मा जो एक सही बात है, जैसे आप शिक्षा चिकित्सा बिजली पानी सड़क आज बस से बदतर हालात है कि नहीं है, बिल्कुल। आप मुझे बताइए लखनऊ के अंदर गजेंद्र सर इसी लखनऊ, आप ये मुझे बताइए कोई 50 बेड का बीजेपी के रोड का अस्पताल बनाया हो, कभी ऐसा कोई दिन किसी अस्पताल में चले जाओ जब ऐसा कोई दिन सैकड़ों लोगों को बेड ना मिलने की वजह से प्राइवेट में जाके जूझते हैं, उनको लूट खसूट होती है और बेचारे मर जाते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। आए दिन घटना हुई, मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे बता दो कहीं 50 बेड अस्पताल आपने बनाया हो जी। इसी लखनऊ के अंदर हम लोगों ने, हमारी सरकार ने 200 बेड का मासूस अस्पताल बनाया, लोग बंधु आसियाना में 100 बेड का था 300 बेड बनाया, पूरा एसएस से बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। आप अगर देखें, अरे उन्होंने पैसा डाला, एक्सटेंशन किया, अरे उन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक काम कोई नहीं किए, बेबे भाई बता दीजिए जानकारी नहीं है, हर साल प्लान करते हैं एक भी कोई अगर चंचल भाई कंपनी लखनऊ चंचल भाई, अरे उन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया, कैसी बात कर रहे हैं बेबे भाई, बता दीजिए सारे कॉलेज को मेडिकल कॉलेज नाम दे दो, अरे मैं थोड़ा दे रहा हूँ, बोलते हैं भाई, बोलो देवे भाई, जब जवाब दीजिए इनको, सीतापुर का ट्रामा सेंटर नहीं चालू हो पाया, 7 साल हो गए, देवे भाई जवाब दीजिए, दूसरा चरण चल रहा है सरकार का, देवे भाई बोलिए, ये चंचल यादव बोल रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं बनाया, इन्होंने अस्पताल बनाए 50 बेड के अस्पताल को 100 का किया, 200 बेड के अस्पताल को 300 किया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ना गड्ढे भर पाए ना स्वास्थ्य व्यवस्था कर पाए, बताइए। देखिए इनके समय में तो पूरे प्रदेश की सारी सुविधाएं 2 जिले में सिमट जाती थी, अच्छा, इटावा और रामपुर, अच्छा इटावा रामपुर, अच्छा इन्होंने तो जो किया सफाई में किया, मैंने अभी लखनऊ का जिक्र किया है, वहां से हमने तो हर के बारे में जवाब जिले में एक मेडिकल कॉलेज, अरे बोले लखनऊ में किया है, रिवरफ्रंट लखनऊ में है जी, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य पे आगे बढ़ रहे हैं जी, और बहुत हद तक इसमें सफलता भी मिली है जी, गाजीपुर से लेकर के सिद्धार्थ नगर से लेकर के जी तमाम कॉलेजों में प्रवेश हो गया जी, सहारनपुर में प्रवेश हो गया जी, बच्चे वहाँ एडमिशन पा रहे पढ़ रहे हैं, कई कई बिल्डिंगें निर्माणाधीन प्रक्रिया में है जी, लेकिन प्रवेश हो चुका है। कितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश से बने श्रीवास्तव जी, जी कितने मेडिकल कॉलेज गजेंद्र पाटी बोल रहे हैं आपकी सरकार ने 5 साल में बनाए हैं ये बता दीजिए। हमारी सरकार में करीब करीब 37 मेडिकल कॉलेज नहीं है, कुछ पता तो है नहीं, अरे मुख्यमंत्री 75 बताते हैं, 35 बता रहे हो जी, कुछ भी पता नहीं है, और कितने का टेंडर हुआ है अभी, लास्ट डेट है अभी 8 तारीख को, मैं कोई ठेकेदारी नहीं करता गजेंद्र जी, देखिए मुझे टेंडर प्रक्रिया का कंप्लीशन ही आपका 10 ज्यादा, अच्छा पहली चीज कंप्लीशन 10 ज्यादा, अच्छा
और जो टेंडर हुआ है जनमानस जान ले 16 नए मेडिकल कॉलेज के टेंडर हुए हैं। अच्छा ठीक है, और 23 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं, बन चुके 23 बन चुके। आप डेटा अपना अपना ठीक कर लीजिए। अच्छा बता दीजिए भाई, कजिन भाई नाराज हो रहे हैं आपसे। नहीं बात वो नहीं है, जनमानस तो जाने ना सही चीज को, बोल लीजिए। अब बोल देंगे सीधा उठा करके 10 ज्यादा। टेंडर की प्रक्रिया से मैं आपको लेना देना नहीं होता कजिन जी, जी, जी। जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं जिलेवार में उसकी बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ प्रवेश हो गए जी। 23 ही तो बनाए हो जी, 23 ही तो बना है, अन्य भी जिलों में जहाँ 23 टोटल 5 साल में 23 जी, नहीं नहीं 5 साल में 23 आप जानकारी नहीं, 37 बने विषय ये नहीं है जी। उत्तर प्रदेश में आज तक के सरकारों में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज समय उत्तर प्रदेश में बने हैं, बोलिए विवेक भाई, कोई शक नहीं, बोलिए आखिरी आखिरी डेटा आपका कंप्लीट होना चाहिए, बोलिए। लेकिन स्टाफ नहीं है जिलेवार जी, मेडिकल फैसिलिटी कैसे अच्छी हो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है जी। हमारा लक्ष्य गौरव जी, मैंने एक छोटा सवाल किया था, मैंने कहा 50 लखनऊ के अंदर कई बार आया बता दो जी, आप सरकार इसका जवाब मुझे नहीं मिला है जी। लखनऊ के अंदर आए थे विवेक श्रीवास्तव, विवेक भाई आपसे चंचल यादव कुछ पूछ रहे हैं, आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, चंचल भाई पूछिए समय का। मैंने इनसे पूछा है कि आप मुझे बता दो लखनऊ के अंदर कोई 50 बेड का अस्पताल आपने कहीं बनाया हो, बता दें कहीं 50 बेड आपने एक्सटेंड किया हो लखनऊ के अंदर, 50 बेड का अस्पताल बनाया है क्या आपने कोई, या बेड बढ़ाए हैं आपने कहीं, कहीं आप 50 बेड के अस्पताल बढ़ाए हो आप बता दो मुझे जी। लखनऊ में PGI के अंदर ही चले जाएं जी, हर हर फैकल्टी का में जिस तरह का विस्तार किया गया। अरे हम लोगों ने जो अस्पताल बनाए थे कैसे कैंसर इंस्टीट्यूट को चला नहीं पा रहे हो, स्टाफ की कमी है, सारे बेड भी 1000 बेड का अस्पताल था उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। कोरोना काल में सारा स्वास्थ्य चरमरा गया था, ऑक्सीजन तो मिल नहीं सका था, कैसे आप विकास की बात करते, कौन सी मेडिकल की बात करते। कोरोना काल में प्राइम आम हुआ था, ऑक्सीजन के बगैर लोग मरे थे, उसकी चर्चा कहाँ है। माइक कुछ बोल रहा है, सारा कारनामा हुआ। अच्छा बोलिए जयरामा, क्या बोल रहे हैं, जल्दी समय का बोलिए। देखिए मेरा ये कहने का मतलब है, अभी जो हमारे भाई ने बोला कि 23 मेडिकल कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश में बने, ये सही है, बिल्कुल डाटा करेक्ट है। अच्छा। और 16 नया जो टेंडर है बिल्कुल करेक्ट है, डाटा बिल्कुल सही है, जो भी बोला हो मुझे नहीं पता। दूसरी बात, जिस मेडिकल कॉलेज की विवेक भाई बात कर रहे हैं, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, MG हॉस्पिटल है। अच्छा। चले आइए, आपका दूध का दूध पानी का पानी नहीं रहेगा, जांच की सारे चीज बेकार है, कोई कुछ नहीं करता, एक्सरे मशीन खराब रहता है, ACG मशीन खराब रहता है, आंदोलन करने जा रही है, लंबी लाइन लगी होती सुभाष जो है यात्रा करने वाली है। सुन तो लीजिए गौरव भाई गाजियाबाद में जब OPD में डॉक्टर दवाई लिखता है तो वो दवाई भी उपलब्ध नहीं है, वो भी बाहर से लोग लेने जाते हैं, इस तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रहा है जी। अच्छा बताइए कि सुभाष कब इसके लिए बचाव यात्रा निकालने वाली है। हम तो देखिए हमारी बात सुनिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की बात करती है, गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान, उसमें हमारे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है। चले पूछ रहे थे, बीर भाई कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे। मैं ये पूछ रहा था जी कि ठीक है, त्रिपाठी जी ने जो बताया आंकड़ा दिया वो उस आंकड़े से हम सहमत हैं। अच्छा सरकार ने काम किया, चलो ये ठीक है। हाँ। लेकिन क्या इन मेडिकल कॉलेजों में जैसा हमारे दयाराम भाई जी बता रहे हैं, ये बिल्कुल कट सत्य है। हाँ। कि अस्पतालों में ना तो डॉक्टर हैं, अच्छा। ना दवाइयां हैं। हाँ। ना मशीने हैं। हाँ। और अगर कोई जांच पड़ताल वहां करनी हो तो व्यापक रूप से वो नहीं हो सकता। अच्छा दूसरी चीज मैं ये पूछता हूँ, अच्छा लगातार ये मामला सदन में उठ चुका है। अच्छा इसके लिए आंदोलन हम चला चुके हैं जी। इसके लिए संदेश अभियान चला चुके हैं। अच्छा कि आखिर जो ट्रामा सेंटर जी अखिलेश जी ने बनाए थे, अच्छा वो आज भी उनमें ताला लगा हुआ है। अच्छा तो उन ट्रामा सेंटरों में स्टाफ कब तक पहुंचेगा, और आखिर उनका ताला खोल करके उन्हें संचालित क्यों नहीं किया जा रहा है। आप नए टेंडर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो बिल्डिंग बनी हुई है
उसमें मशीनें रखी हुई है, वहां पे आपका चौकीदार तक नहीं है, तो आखिर ये आपकी क्या व्यवस्था है? सरकार कैसे इस 25 करोड़ की जनता के स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से दे पाएगी? और बात हो रही है जातीय व्यवस्थाओं को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा तो हमें मुख्य मुद्दे पे करना चाहिए कि बिल्कुल सही बात है। आज आज की डेट में मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग यात्रा निकालिए, स्वास्थ्य को लेकर यात्रा निकालिए, मैं तो करने तैयार हूं। मैं यात्रा निकाल चुका हूं गौरव भाई, मैं लिखा पढ़ी कर चुका हूं। अरे आप दल की बात कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय दल बचाओ दल बनाओ की जगह है, मैं बाकायदा आंदोलन चला रहा हूं, लेकिन सरकार तो मनमानी पर आमादा है, निरंकुश नौकरशाही इनके कब्जे में ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ये काम क्या कर रहे हैं गौरव भाई? कुछ नहीं कर रहा, प्रचार बोले, जरा प्रचार बोले, निवेदन करना चाहेंगे सभी सरकारों को कि एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाली सरकार चल रही दिल्ली में। क्या बात, 500 मोहल्ला क्लिनिक एक साल के अंदर में पंजाब में स्टार्ट। भाई जो अच्छा है उसकी तारीफ है, जो तारीफ 500 मोहल्ला क्लिनिक अच्छा उसकी तारीफ। हमारी सरकार आपके बच्चे को छींक आए ना तो आपके मोहल्ले में ही उसकी जांच हो रही है, छींक आने नहीं दे रही है। तो मेरा कहने का है कि उन सरकारों से सीखने का, हम आपसे आपकी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सीखने की जरूरत है। एक क्वेश्चन है आपसे, बोल लीजिए। दो स्कूल का नाम आप दिल्ली के अंदर जी बता दे जिसका निर्माण आपने किया हो। सर आपको पता है ना? अरे दो स्कूल बता दीजिए, सुन तो लो सर। अरे आप हम जाने कितने कमरे बनाए हैं, कितने कमरे बनाए हैं, जमीन हम आपका पता नहीं है शायद, डीडीए हमारे पास नहीं है, दो स्कूल का नाम बता दीजिए। सर सुन तो लो, लैंड लैंड रिफॉर्म, लैंड की जो मालिक है वो हमारी केंद्र सरकार है, आपको पता होना चाहिए। जब जमीन ही नहीं दोगे तब स्कूल कहाँ से बनाएंगे? सुनिए सुनिए सुनिए, आप कमरे की बात कर लीजिए, हमने दिखाया था यही बात। अरे सामने देखिए, बोले गौरव भाटिया जी, सुन एक बार कंप्लीट, मेरा आपसे क्वेश्चन है कंप्लीट सर। गौरव भाटिया जी ने यही बात चैनल पे कही थी और हमारे विधायक ने लेके दिखाया था उनको, ले आके भाग खड़े हुए थे वो जी। देखिए हो गया, हो गया। तो मेरा कहने मतलब यह है, नंबर 2018 में जी एक एप्लीकेशन दिया जी, उसमें तीन विद्यालय की बात किया इन्होंने जी, चौथे विद्यालय की बात भी नहीं किया। सब लोग तो वो दूसरा एप्लीकेशन भी नहीं दिया, हर अड़ंगा लगा देते हैं। आप टीचर हो गया, हो गया, हो गया, टीचर हम आप सभी मेंबर्स कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी महत्वपूर्ण कि इस मामले से, इस अभियान से किस दर को कितना फायदा होने वाला है। यहाँ पर अभियान बाबा साहब की जयंती पर शुरू भी होगा और यहाँ पर अभियान बाबा साहब की जयंती पर खत्म भी होगा। बीजेपी खत्म करने वाली रहेगी और समाजवादी पार्टी शुरुआत करेगी। अब इस वर्ग के लिए यहाँ पर कसीदे पढ़े जा रहे हैं, इस वर्ग के लिए आगे बढ़ने की बात कही जा रही है, इस वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास किया जा रहा है, पर इस वर्ग के लिए संघर्ष कौन करेगा, इस वर्ग के लिए सत्ता पे कौन लड़ेगा, इस वर्ग के लिए विपक्ष में भूमिका कौन निभाएगा, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जरूर कहा जाता है कि यहाँ पर केवल एक ही बार कही जाती है कि अगर सत्ता में होंगे तब इस वर्ग के लिए कहे गए, अगर सत्ता से बाहर होंगे तब इस वर्ग के लिए कौन खड़ा होगा। जिम्मेदारी है उन पार्टियों की जो कहते हैं कि ये वर्ग हमारा है, अगर वर्ग आपका है तो उस वर्ग के लिए खड़े होइए, चाहे सत्ता में हो और चाहे आप विपक्ष में हो। अगर विपक्ष में होंगे तब आपको अपनी भूमिका का निर्वाह ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी ये वर्ग समझ पाएगा कि हाँ ये वर्ग हमारा है, ये पार्टी हमारी है और वास्तव में ये हमारे सच्चे हितैषी हैं। और फिलहाल ये व्यवस्था हमारे देश में, हमारी राजनीति में और हमारे प्रदेश में देखने को नहीं मिली है। अब आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी या ऐसी परंपरा चलती रहेगी वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है, पर एक बात स्पष्ट है, जो इस वर्ग के लिए काम करेगा आगे देश पर राज वही करेगा। और फिलहाल ये वर्ग किसकी तरफ जा रहा है ये वर्ग भी जानता है, वो राजनीतिक दल भी। संघर्ष करते रहिए, मेहनत करिए और कम से कम अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए जमीन पर उतरिए, ना कि केवल ट्वीट खेलिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।